स्वागत बाटे हम रवि किशन शुक्ल समस्त भोजपुरिया हिंदुस्तान के पूरा भोजपुरी आवाम के करत बानी सलाम और स्वागत करत बानी डांस के सबसे बड़का शो जोन आगे नाम बाटे नाच नचैया धूम मचैया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अचानक ये मास्टर जी के मन भइल कि कोनो कोरियोग्राफी नहीं के चला उस सिनेमा का मनी है तो हनी है जो एक महीना हम लोग मॉरिशियस में बड़ा आनंद लेनी होकर गाने पे सब लोग नाचल जाओ। तो आज पूरा रिकी जी लॉलीपॉप जी पूरा एगो डांस जितने कोरियोग्राफर बाड़ा नू पार्टिसिपेंट हमारा ऑडियंस हमारा टेक्नीशियन पूरा टीम हमार एजा एगो सेलिब्रेशन एगो दीपावली के मूड में आके आप लोगन के आनंद देवे का हमेशा कोशिश करीला। ये चलते मुकाबला के मैदान पर आप आग के दरिया बन चुकल बाटे। हम तो अब बुलंद आवाज में यह कहब कि भैया अब ये जंग नहीं आसान यू समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब हम न्यायमंडल से जाने चाहब कि ई छह जोड़ी में ऐसा का अतिरिक्त खासियत बा जोना से ई लग रहल बा कि ई लोग भोजपुरिया डांसिंग वर्ल्ड के सबसे बड़का डांसिंग जोड़ी स्टार बन सकत बाड़न। और साथे साथे यो जानना चाहब कि का आप लोग मशवरा देबा ई पार्टिसिपेंट लोगन के। गणेश जी का कहे चाहबा पार्टिसिपेंट लोगन के? सप्ताह बहुत कम बाटे फिनाले की और हमनी लोग बढ़ रहल बाड़न। रवि सबसे पहले बात तो ये कहूँगा कि नाच नचैया धूम मचैया ये जो शो है ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। इधर मैंने वो सब चीज़ें देखी जो मुझे मतलब मैं मिस करता था अपने लाइफ में, वो डांस वो इन्जॉयमेंट वो सुख दुख तूने जो हर चीज़ बोली। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि ये जो यहाँ पे मेरे जितने लड़ाकू है जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो लड़ने के लिए तैयार है एक दूसरे की कत्ल करने के तैयार है, मैं इनके बारे में एक बात बोलूँगा कि मेक मी हैप्पी। अगर मुझे आप खुश करोगे मैं भूखा हूँ प्यासा हूँ जो समझना समझो आपको कला के लिए टैलेंट के लिए। जबकि ये जो पद है जज की बहुत मुश्किल है, मैं करता नहीं हूँ लेकिन कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप स्टेज को है ना फोड़ दो फाड़ दो, यही मौका है क्योंकि अब कोई भी रहम दिलगिरी नहीं चलेगी। सिखाने की बारी निकल गई अब लड़ने की बारी है। अब चला भोजपुरिया नटराज के पास कानूदा काका का। एक मिनट जय हो जय हो। वाह कानू जी का अंदाज गोड़ छोड़ना ही मंच के काहे खातिर स्वयं बताइए। थैंक्स या शुक्रिया ये तो है ही, लेकिन मैं कभी भी बचपन से अब तक ही नहीं सोच पाया था कि इतना बड़ा मंच मुझे मिलेगा, इतने मेरे भाई मेरे बच्चे लोग मिलेंगे, पूरा परिवार मुझे मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। मेरे बच्चे लोग हो तुम लोग, बस अपने माँ बाप हम लोग का नाम रोशन करना और कूद पड़ो लड़ पड़ो गणपति बाप्पा मोरिया। गॉड ब्लेस यू। वाह वाह मोरिया वाह वाह। सुधा जी आप का कहे चाहू पार्टिसिपेंट लोगन के? मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, बड़ी मुश्किल से आप इस पॉइंट तक पहुँचे हो, संयम के साथ अपने आप को कंट्रोल में रख के परफॉर्म कीजिएगा, बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी। वाओ सुधा जी धन्यवाद। सुधा जी पहल का जोड़ी आ रहल बाटे जेकरा मालूम बाटे कि आज तनी को चूक काले भाड़ी पर जाई कि काले का मुकाबला के सबसे कठोर नियम निभावल जाई जिन काल आई। तो देखल जाओ कि अपन दावेदारी के बचाए खातिर आज जोड़ी नाच के कैसन नजारा दिखात बाटे। स्वागत कइल जाओ खूबसूरत चिचोर अदाकारा अक्षरा सिंह और राकेश के। भगवान स्कूल ऐसन हुई तो का हुई, लेकिन सच्चाई बाटे जानल जाओ कि कैसन लगल ई परफॉर्मेंस। गणेश जी अक्षरा राकेश यस अच्छा था,
दूसरी बात आपन मार्क्स के आप गुप्त रखबू न्याय मंडल में से, खाली दू गो न्याय मंडल के नंबर जानल जाए, ठीक बाटे? बढ़िया, बहुत बढ़िया, जय हो आप लोगन के, मजा ला, जय हो जय हो जय हो। डांस के ही महाजंग में हर जोड़ी के बीच टकराव और महागंभीर हो गए बाटे। न्यायमंडल के तेवर का फ्लेवर भी बदल गए बाटे, जैसे ही नंबर देवे का टाइम आत बाटे, चेहरा सख्त और दिल कठोर हो जात बाटे। मतलब साफ बा, मंच पर अपन दावेदारी के बचावे ला चाप परफॉर्मेंस देवे, जनता और न्यायमंडल के दिल पर छाप छोड़े के परी। तक्का बाबू हमरा साथे बनल रही, काहे कि बह रहल बाटे का डांस के पुरवैया, जेकरा के देखत आड़ा नमार कुल भगवान भोजपुरी रहवैया। आज नचैया धूम मचैया भैया, तो जैसे कि रउआ लोग के मालूम बाटे कि आज जॉन जोड़ी के परफॉर्मेंस हुई सबसे आलू चा, वो हासिल कर परफेक्ट पार्टनर ऑफ द डे के खिताब। तो अब आ रहल बाटे अगला जोड़ी अपन जुनून के असर से पूरा भोजपुरी आवाम के एहसास दिलावे के एकरा अंदर बाटे भोजपुरिया डांसिंग वर्ल्ड के सबसे बड़का डांसिंग जोड़ी बने के क्षमता। प्लीज वेलकम करी भोजपुरी सिनेमा के लवली हीरोइन लवी रावतगी और बेगुसराया प्रकाश मालिक। तीन दिन बाद हमारा ऑपरेशन हो जाएगा और हम अलग हो जाएंगे। आई एम सॉरी, हम दोनों में से सिर्फ एक ही को बचा पाए। बहुत किस्सा आप लोग सुनल हो कब की दूगो बच्चा पैदा होलन, लोगन का शरीर जुड़ल बाटे और ये रोज किस्सा बाटे। हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं ऐसा किस्सा अखबार में टेलीविजन में दिखे मिलेला। और दूसर मायने में देखल जाए तो पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका, वो लोगन का भी जीवन ऐसे ही जुड़ल रहा। इस शो का माध्यम सिर्फ आप लोगन के नाच दिखावे के ना बाटे, आप लोग देखल हो कब की इस शो के माध्यम से हमनी लोग जीवन के बहुत सारी जागरूकता पे भी एगो प्रकाश डाले का कोशिश करीला। हमनी लोगन का प्रयास हमेशा रहे अद्भुत प्रयास, आत्मा के छुए वाला प्रयास। गणेश जी का कहे छ, क्यों करते हो यार ये सब, कैसा है परफॉर्मेंस और ये सब कुछ? ऐसा मत करो, ये स्टेज पे आके ऐसा मत करो। बहुत अच्छा था, लवी हमेशा मेरे को देखती रहती, मास्टर किस तरह बात करता है। लॉली वेरी गुड कोरियोग्राफ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एंड दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। मेरा कोई मतलब नहीं था रुलाने का, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं सुधा जी से पूछा कि मैं आपका डायलॉग चुरा सकता हूँ क्या, इसलिए मैंने उनसे चुराए डायलॉग और बहुत अच्छा। और मैं तुम लोग को मार्क दूंगा, बोलो बस। थैंक यू मास्टर जी, थैंक यू सो मच। एंटरटेनमेंट की दुनिया हमनी लोगन का जरूर बाटे, लेकिन साथे साथे हम कलाकार लोगन का एगो बहुत बड़ा इहो बोझा हमनी लोगन के और एक जवाबदेही बोझा बा कि आप लोगन के हमनी लोग अपने जीवन से का का सिखा सकब सिनेमा के माध्यम से या डांस के माध्यम से आई नाच नचैया धूम मचैया के मंच से। भोजपुरिया नटराज कानूदा, बचपन से तो दुखी बहुत हूँ, लेकिन मैं अपने आप को दुखी कभी फील नहीं करता हूँ। हर दिन मैं जीता रहता हूँ, वो बॉडी मेरा टूटा हुआ या तार लगा हुआ मैं सोचता भी नहीं। डॉक्टर जितना भी बोलता नहीं नाचता है, मैं उतना ही नाचता हूँ, तो देखा जाएगा जो होगा। लेकिन मैं सोचता हूँ इतना पेनफुल होते वो दोनों जो जुड़े हुए होते हैं, कितना तकलीफ होता है। खासकर इन दोनों ने जब वॉशरूम के लिए बोला तो सच में वो कैसे रोकते और कितनी तकलीफ है, दो में से एक चला जाता है।
वो बचपन का दोनों का उठना बैठना साथ में बड़ा होना और एक पल ऑपरेशन हुआ और खत्म सब कुछ। बहुत अच्छा था, कुछ बोलने के लिए कुछ है रहल नहीं, बस नियम है कुछ तो हद है हम लोग को दिया गया है, हम भी आप लोगों को 9 रुपए दे रहे हैं। अब जानल जाओ कि नाची मयूरी का कहानी नंबर उनकर गुप्त बाटे। सुधा जी, ये देखने के बाद मैं एक्चुअली आज बोल ही नहीं पा रही, बिकॉज बहुत ही इमोशनल एक्ट था ये। लवी लवी से तो मैंने एक्चुअली ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया। लवी एंड प्रकाश, कमाल का कॉन्सेप्ट। मैं यही कहूंगी कि आज मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि इस मंच पर बैठकर मैं आपका ये परफॉर्मेंस जज कर रही हूँ। वाह सुधा जी, वो वो धन्यवाद। तो जैसे कि पूरा भोजपुरी आवाम के पता चल गल बाड़े की टॉप 6 जोड़ी में से ही कोनो एगो जोड़ी बनी भोजपुरिया डांसिंग वर्ल्ड के सबसे बड़का डांसिंग जोड़ी। तो ये चलते आ वाला जोड़ी के डांसिंग टैलेंट ढेर सारा अतिरिक्त गुण नजर आ रहा बाटे। तो देखल जाओ कि जोड़ी अपन दावेदारी के कितना मजबूत तरीका से पेश कर रहा बाटे। प्लीज वेलकम करी भोजपुरी के हसीन अदाकारा स्मृति सिन्हा और पटना के खतरनाक डांसर का कहीं हो बा खतरनाक लड़का बा, आप लोग खुद देखिए। बहुत नीमन लागत अड़ू और ई मकड़ी का जाला, बारे बाह बाहरे बा गणेश जी। अच्छा टाइम था सुमिति, अभी तुम्हारे डांस में इम्प्रूवमेंट हुआ है बहुत। थैंक यू मास्टर जी। मतलब पहले एपिसोड से अभी मतलब एक थोड़ा सा क्लम्जीनेस था ना, एक अकॉर्डनेस, मतलब थोड़ा सा उसको तुम अनकम्फर्टेबली मतलब बीट को और बॉडी को मूव करती थी, अभी कम्फर्टेबली मूव कर रही हो और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तुमको। थैंक यू मास्टर जी। और प्रदीप आप तो बहुत ही अच्छे डांसर हो, तुम्हारा मतलब बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। ठीक ही था, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया मुझे सिर्फ मकड़ी का क्या था मतलब। सर वो पहले हम आते हैं तो वो अपने जाल में फंसाती, फिर हमको जाल में लगा के खुद खुश हो जाती है, ऐसा कुछ था। नहीं क्या क्या हमके लगा था खुद का जाला इकर बुनल रहे ये मकड़ी बाटे और ही अपन जाला में ओकरा के बुला ले लेस, ऐसा कुछ। हाँ मकड़ी बाड़ू थी जो भी था। मैं कुछ भी बन जाती हूँ, कभी चुड़ैल कभी नागिन, आज मकड़ी सही। तो ये मकड़ी के और मकड़ा के भिटायली जोड़ा के 8 भोजपुरिया नटराज का दी हैं। ये मकड़ी का जाला का होला मालूम हो ना, जेकरे में हिम्मत ताकत सब कुछ रही वही तोड़ के बाहर जाई, नहीं तो फंस के वहीं रह जाई, हो कि नहीं। और बहुत अच्छा रहल, लेकिन स्मृति आपको थोड़ा और मेहनत करना चाहिए क्योंकि प्रदीप बहुत अच्छा डांसर है। जी मास्टर जी, मैं हर बार कोशिश कर रही हूँ इसके। पहले से नो डाउट, पहले से तू बहुत अच्छा कहिला, लेकिन हम चाहब कि तुहार लोग की जोड़ी भी आगे बढ़ल। जी मास्टर जी, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी और मैं कोशिश करूंगी। हम भी सोच रहे हैं 6 7 अब जानल जाओ सुधा जी का कहे चाहता रे। सुधा जी ये मकड़ी और मकड़ा के परफॉर्मेंस कैसन लगा? प्रदीप हर एपिसोड में मैं यही कहती हूँ कि आप एक बहुत अच्छे डांसर हैं और आज भी आपने ये प्रूव कर दिया है। स्मृति, आज मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, मतलब ये जो जाल आपने रखा है, मतलब कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर नहीं लग रहा है मुझे। आई थिंक अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो शायद आप और बेटर परफॉर्म करती। तो आज मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ स्मृति, आई एम सॉरी। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा मजा आया। रवि भैया एक बात कहे चाहते हैं, छोटा सा बोल ना बाबू। हम जहाँ रहे नहीं पटना में, वहाँ पे एक स्पेशल स्कूल है जहाँ पे बच्चा लोग जाएला जे सुन ना सकेला, बोल ना सकेला और जे देख ना सकेला, वैसा स्पेशल स्कूल बा। वहाँ पर बहुत गरीब गरीब बच्चा भी आवेला पूरा बिहार से पटना में, वो समर्पण नाम से स्कूल चलेला। हम चाहब कि वैसा वैसा बच्चा के हेल्प करी हमरा से जितना हो सकेला। अभी जब भी उन लोग के शो होवेला
तो हम जाए नहीं आ सिखावे नहीं, हमरा से जे हो सकी हम करत बानी। हम चाहब कि उन लोग लगी जरूर दुआ करी और आप लोग थोड़ा सहायता करी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।